तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल यानी इसलिए हम बोल सकते हैं, मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि हम इससे पहले भी प्री वेडिंग शूट किए थे, लेकिन उसमें अपने तरीका से कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जो प्री वेडिंग कर रहे हैं वो अभिजीत और उसकी वाइफ का कर रहे हैं, तो मेरे को रेडिंग सब कुछ हुआ है इसमें। जहाँ जहाँ हम बोले वहाँ इन लोग आया है, और जो जो कपड़ा बोले हैं वो कपड़ा इन लोग लेके आया है। और ये यहाँ पर ये जो लोकेशन है ये पंचेत में है, पंचेत रेसिडेंसी करके पुआपुर नाम के जगह पे। तो यहाँ पर जो हम लोग पहुँचे और इसका जो जगह का नाम है वो पंचेत रेसिडेंसी करके है, और लोकेशन बहुत ही अच्छा है। आपको धीरे धीरे दिखाएंगे जैसे जैसे हम लोग फोटोशूट करेंगे, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहें। आई होप आप लोग ये वीडियो देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लोकेशन है, आप गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं, पंचेत रेसिडेंसी बहुत ही अच्छा प्लेस है। आपको एक चीज़ दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर जो ये पहाड़ है ये बहुत ही नज़दीक है, और आप लोकेशन तो पीछे देख ही सकते हैं कितना मस्त है। और यहाँ पर एक रूम भी लिए हैं चेंजिंग वगैरह के लिए, ये सब रूम है छोटा छोटा। तो वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हेलो, और ये रूम हम लोग का है, ये अभिजीत और अभिजीत की वाइफ। तो फीलिंग बहुत मजा। ये हम लोग का रूम छोटा जैसा, तो यहाँ पर कैमरा सेटिंग हो रहा है। मॉडल सब रेडी है। हम लोग का पहला लोकेशन में फोटो शूट हो गया, जो कि जितना भी फोटो होगा मेरा बनी फोटोग्राफी इंस्टाग्राम में वहाँ अपलोड करेंगे, आप जाकर देख लीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा फोटो शूट आपको। और देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा लोकेशन है, यहाँ पर भी फोटो शूट करेंगे, लेकिन सबसे पहले उधर जाते हैं। उधर बहुत ही मस्त लोकेशन है, तो वहाँ पर पहले चलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। जितना भी फोटो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सब आपको मेरे इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, तो आप जाके एक बार चेक ज़रूर कर लें। और अगर आप किसी को प्री वेडिंग या कुछ भी टाइप किसी भी टाइप का फोटोशूट कराना हो तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बन्नी 004 उससे भी अच्छा अच्छा रूम यहाँ पर है। यहाँ पर बनी फोटोग्राफर, देखिए कैसे फोटो खींच रहा है, सूट के फोटो खींच रहा है। और यहाँ पर कोट्ठा हीरो जो डायरेक्टर है हम लोग का, वो वहाँ पर बैठ साइड में वीडियो कर रहा है। हाँ।
खा रहे हैं। और आप देख सकते हैं बहुत थक गए हैं हम लोग, और मुंह का देख सकते हैं लाल लाल हो गया है इसका, इसका तो ये मुंह धोके ही हो रहा है। और अब हम लोग आपको लोकेशन दिखाते हैं कितना मस्त है, आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं, देख सकते हैं बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर रहने में। यहाँ कोई एकदम आराम से टाइम स्पेंड कर सकता है। आपको हम यहाँ का नज़ारा भी दिखाते हैं बाहर का। और हम लोग का आधा फोटो शूट हुआ है, आधा अभी बाकी है, तो फिर से हम लोग जा रहे हैं अपना रूम। तो हम लोग रूम पहुंच के वहां पर लोग कपड़ा चेंज करके फिर से अभी भी दो तीन ड्रेस बाकी है, उसका फोटो शूट करेंगे। और थक तो सब गए हैं लेकिन किसी तरह से फोटो क्लिक करने के बाद ही जाएंगे। और इसको देखें, ये रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पर खाना वाना खा सकते हैं। यहाँ पंचेत रेसिडेंसी और ये भी ये थोड़ा महंगा है, हम लोग जो रूम लिए हैं उससे थोड़ा ये सब महंगा है। यहाँ पर आएंगे अभी तुरंत फोटो शूट करने, रूम पहुंच के पहले हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं। हम लोग के यहाँ दो घंटा ढाई घंटा हो गया और सब थक गए हैं और एकदम धूप थक तब हम लोग आए थे। और अभी हम लोग फिर से आएंगे यहीं पर फोटो शूट करने। और यहाँ का लोकेशन हम लोग छोड़ दिए थे क्योंकि वो लास्ट ड्रेस वाला में जो था शेरवानी है, शेरवानी और की लहंगा, लहंगा और शेरवानी में। और ये भी रूम है, यहाँ पर तीन तरह का रूम है, जो एक बार हम लोग लिए थे। और ये विलेज टाइप से है कुछ अंदर में, इसका बहुत ही मस्त है, इसका अंदर भी जाएंगे हम लोग कुछ देर बाद। और ये थोड़ा सा महंगा है, देख के ही लग रहा है, इसके अंदर एसी वगैरह है। और यहाँ पर शादी ब्याह भी होता है, यहाँ पर स्टेज वगैरह सब बना हुआ है, उधर स्टेज है, वहाँ पर भी अभी जाएंगे फोटो क्लिक करने। पार्क कहाँ है? पार्क नहीं है, स्विमिंग पूल। कहाँ स्विमिंग पूल? अच्छा स्विमिंग पूल उधर है, उधर नहीं अभी जाना माना है। अब देख सकते हैं बहुत ही मस्त है यहाँ पर, यहाँ पर शादी ब्याह होता है। दो तीन चार स्टेज बना हुआ है, एक दो तीन चार। और पीछे देखिए बहुत मस्त बैठने का जगह है, इसका एंट्री ये है। यहाँ पर आएंगे फोटो शूट करने। और ये हमारे अभिजीत और उसकी वाइफ, ये विजय और सूरज, और ये हमारे सिंगर सूरज। हाँ सूरज, तो ये गाना सुना, गाना सुना सुना। हाँ एकदम ऐसा हीरो जैसा। आओ जल्दी आओ और गाना सुना। गाओ गाओ जल्दी आओ, लो मालो नहीं बा कर बा आजो जे पैसा यानी देलियो हमें खटी खटी दुयो बेरा चलवे तो लगाए दे दुकाने थोड़ी थोड़ी ने हरा जाहे रात करे हैं भारी बुझा है के पवबे हमारा देव थाम तनी मोरे ढिक 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 थाम तनी मोरे। हो गया हो गया। फ्रेश होने के बाद अब फिर से तो हम लोग स्टेज पर जहाँ पर अभी हुआ, अभी तुरंत जो आप लोगों ने देखा वहीं पर जा रहे फोटो शूट करने। सुना जा रहे एक बार गाना गाएगा। भालो
और यहाँ पर हम लोग का कैमरामैन तो बैठ गया है, ये देखिए बैठ बैठ के फोटो खींच रहा है। आज ऑटा लगे हुए धोनी वाटर पार्क तो ऑटा लगे सर मिल बहुत ही धपाल तो जो लेट ना कर अधोनी 5:30 तो बज गए ले सूरज चलो तुम्हारा वाला करेंगे चलो हां अरे अपने अल्प छोटा है लगे अपन भाई जीते आते आ जाए अरे कुछ हम नहीं गंदा लग गया तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर अभी आधा भी नहीं घूमे हैं और शाम हो गया और हम लोग घर भी जाना है और एक जगह शूट करेंगे जो पंचायत डैम का जो पुल है वहाँ पर, तो वो वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। तो बाय सबको, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और जितना भी फ़ोटो हम यहाँ पर अपलोड मतलब जितना भी फ़ोटो हम यहाँ क्लिक किए वो सारा हम अपलोड करेंगे इंस्टाग्राम अपना फोटोग्राफी फोटो जो इंस्टाग्राम का फोटोग्राफी आईडी है उसमें, तो आप जाके उसमें ज़रूर देखें। तो विजय बाय बोल दो एक बार सबको, तो फिर मिलते हैं सबके साथ इसी तरह का एक ब्लॉग के साथ। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग को मतलब फ़ोटो देखने के बाद बताएं कि आपको फ़ोटो कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय सबको।